जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेथ अकेडमी में। दोस्तों आज के हम क्वेश्चन ले रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट मारते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे और आपको इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज इनके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ ट्रिक से कैसे करते हैं और बिल्कुल बिना ट्रिक के कैसे करते हैं। दोस्तों सामने आपके क्वेश्चन है कि एक 20 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता तथा 4 मीटर फिसल जाता है, तो वह कितने दिन बाद चढ़ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कई बार एग्जामों में देखा होगा। वैसे अगर इसकी ट्रिक देखें तो ट्रिक तो इसका सीधा सी कि हाइट यानी कितनी है 20 मीटर और चढ़ता कितना है एक दिन में 6, जंप कितना है मतलब कितना इसमें जंप बच जाता है, तो कितना बच जाता है 6 मीटर उछलता है और 4 मीटर वापस फिसल जाता है, बच जाता है कितना है 2 और फिर प्लस ए कर देना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 माइनस 6 यानी 14, 14/2 7 और प्लस 1 8, ये आपका आंसर ऐसे हो गया। लेकिन ये कैसे है इसको आप एक चीज़ को देखिए कि 6 मीटर ये जंप, जैसे मान लो ये 20 मीटर लंबा है, ठीक है 20 मीटर लंबा ये पोल है। अब होता क्या है कि डेली ये 6 मीटर यहाँ तक जंप करता है, फिसल के फिर 4 मीटर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है और 2 मीटर बच जाता है। इस प्रकार से ये जंप चलता रहेगा, लेकिन जैसे ये 14 फीट पे आएगा, 14 तो यानी 2 मीटर एक दिन में चढ़ रहा है, तो 7 दिन में कितना चढ़ जाएगा दोस्तों 7 दिन में आ जाएगा ये 14 पर। फिर ये जब 14 मीटर से जंप करेगा तो फिसलेगा नहीं, क्यों खंभे के इसके ऊपर बैठ जाएगा तो क्या होगा फिसलेगा नहीं, तो यानी लास्ट वाला जंप इसका कितना हो जाएगा 6, लास्ट वाला जंप कितना हो जाएगा 6 मीटर का। इससे पहले जो कितना बच गया अब ये 14 मीटर, और 14 मीटर को यानी डेली 2 मीटर चढ़ रहा तो कितना दिन लग जाएगा 7 दिन, और लास्ट वाला एक जंप ये 6 मीटर का मारता है तो कितना हो गया एक ये 8। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, ये आपका 8 आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, 40 मीटर ऊंचे खंभे पर एक तिलचट्टा एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, तो कितने दिन में चढ़ेगा। 40 मीटर का एक खंभा है, आप एक बार इसको इस प्रकार से ले लीजिए, ये 40 मीटर का एक खंभा है, बस ऐसे समझिए कि 40 मीटर का ये खंभा है। इसमें क्या होता है कि एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, यानी पहले 10 मीटर तक जाता है फिर 4 मीटर नीचे आ जाता है, तो मतलब चढ़ता कितना है 6 मीटर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि लास्ट वाला जंप कितना मारेगा दोस्तों 10 मीटर का, क्योंकि 10 मीटर चढ़ता है ना, तो लास्ट वाला एक जंप हो गया 10 मीटर का मारेगा पक्का, तो इसमें क्या होगा ऊपर जाके बैठ जाएगा फिसलेगा नहीं, तो क्या करना है 40 मीटर में से 10 मीटर तो कम ही कर दो, तो बचा कितना 30 मीटर, और डेली कितना चढ़ पा रहा है ये 6 मीटर, क्योंकि 10 मीटर चढ़ रहा है 4 मीटर फिसल जा रहा है, नहीं 10 मीटर चढ़ रहा है और 4 मीटर फिसल जाता है, 6 मीटर डेली चढ़ रहा है, तो 30 मीटर में चढ़ने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों 5 दिन, और लास्ट वाले दिन एक ये जंप 10 का मार देगा तो 5 और प्लस 1 6, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। और ट्रिक से करो तो वही बात है, हाइट माइनस सी जे प्लस 1, तो क्या करना है हाइट टोटल कितनी 40 माइनस चढ़ता कितना 10 और जंप कितना होता है 6 का और प्लस 1, तो वही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन दूसरे टाइप का, किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियां और गाय कितनी है। दोस्तों सिरों की संख्या कितनी है 48 और पैरों की 140। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूँ, जो 140 है इसको इधर रख देना है बीच में। अब अगर मान लो कि 48 की 48 गाय है तो इनके पैर कितने हो जाएंगे, तो 48 इंटू 4 करके देख लो, 48 इंटू 4 तो इनके पैर के मानना है, केवल इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, 8 चौक 32 हाथ का 3, 4 चौक 16 और 3 19, यानी 192 पैर होते हैं। और अगर ये मुर्गियां होती 48 की 48 तो इनके पैर कितने होते 48 इंटू 2, 48 इंटू 2 यानी 96। अब कुछ नहीं करना, इस प्रकार से लिख देना है और एक छोटा सा काम करना है, इस प्रकार के तीर बना देना। अब क्या करना है 140 को इसमें से माइनस करेंगे कितने बचेंगे दोस्तों, अगर 140 को इसमें से माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे 52, और 96 माइनस करेंगे 140 में तो कितने बच जाएंगे, 96 अगर माइनस करेंगे 40 में से तो कितने बच जाएंगे 46। अब इनका आप अनुपात बना लीजिए, अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों इनको, तो दोस्तों अगर 96 140 से माइनस करें 46 नहीं इसमें होगा 44, कितना होगा 44, तो इधर हो गए 44 इधर हो गए 52। अब इनको आप अनुपात समानुपात में थोड़ा छोटा कर लीजिए,
दो से कट करेंगे तो 22 इधर आ जाएंगे 26, फिर दो से कट कर लो 11 और 13, यानी 11 और 13 के अनुपात में आप इनको अब बांट देना है। 11 और 13 के अनुपात में बांटोगे टोटल सर कितने हैं 48, तो अब इनको आप 11 और 13 के अनुपात में बांटोगे तो क्या होगा, अनुपातों का योग नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 इंटू, आपको अगर गाय ज्ञात करनी है तो 11 तो 24 का इसमें दो बार तो कितनी हो जाएगी गाय, यानी 22 हो जाएगी गाय, और 13 से गुना करके 26 हो जाएगी आपकी मुर्गी। 13 इंटू 2 यानी 26 हो जाएगी आपकी मुर्गी और 11 हो जाएगी आपकी गाय, ये हो गई तो सॉरी 22 हो जाएगी आपकी गाय, तो टोटल कितनी हो गई 48। अब इनके पैरों की संख्या गिनोगे तो आपकी वही संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल ईजी तरीका है ये, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इस प्रकार से जमा लेना है कि जितनी आपको सिरों की संख्या दी गई है उनको अगर चार पैर वाले तो चारों से गुना करके इधर लिख, जैसे गाय चार पैर की है तो उसको चार से गुना करके इधर लिख दीजिए, और अगर दो पैर वाला है तो उसको दो से गुना करके इधर लिख दीजिए, जितने पैरों की संख्या दी गई है उसको बीच में लिख देना है और इसमें से इसको माइनस कर देना है। जैसे माइनस किया फिर इसको अनुपात समान अनुपात आ गया इसके बराबर, तो इसको छोटा आंकड़ा में बना लीजिए, छोटा आंकड़ा जैसे 11 और 13 आ गया, फिर आपको पता है अनुपातों का योग करके और उसका जितने सरों की संख्या दी गई है उसमें भाग दे देना है, जैसे 11 प्लस 13 कितने हो गए 24, तो हमने 48 में इसका क्या दिया भाग दे दिया तो आ गए 2। अब हमको 11 से ये जो ऊपर की जो संख्या आपका बचा है इससे गुणा करेंगे तो गाय आ जाएगी 2 को, और इससे करेंगे तो मुर्गी आ जाएगी, बिल्कुल ईजी, आप करके एक बार ज़रूर देखना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए गए तो हाथों की संख्या क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे 15 व्यक्ति है, अगर वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो मुझे एक बात बताओ कि एक व्यक्ति कितने बंदों से हाथ मिलाएगा, 15 से या 14 से। अरे भाई आप खुद से तो हाथ नहीं मिलाओगे ना, खुद से हाथ नहीं मिलाओगे यानी दूसरों से हाथ मिलाओगे, तो दूसरों से किन से हाथ मिलाओगे, यानी आप 14 आदमियों से हाथ मिलाओगे, और टोटल कितने 15, तो 15 बंदे 14 से हाथ मिलाएगा, मतलब सभी से बारी बारी हाथ मिलाएगा, और ये जो 15 बंदे वो भी तो आपसे मिलाएगा ना, तो लेकिन वो खुद अपने आप से नहीं मिलेगा, तो करना क्या इस प्रकार क्वेश्चन के कि जो संख्या दी गई है उसके नीचे वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 15 चौक 20 60 210, यानी कुल कितनी बार हाथ मिलाओगे 210 बार आप हाथ मिलाओगे। हर एक व्यक्ति से अगर आप हाथ मिलाते हो और हर एक व्यक्ति आपसे हाथ मिलाता है तो कितनी बार मिलाओगे टोटल 210 बार दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये।